नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। भारतीय शेयर बाजार में तेजी का दौर है। आम निवेशकों के साथ साथ विदेशी निवेशक भी भारतीय शेयर बाजार पर फिदा हैं। प्राइमरी मार्केट के अलावा सेकेंडरी मार्केट में भी धूम है। अब अगर आप सोच रहे हैं कि निवेश की गाड़ी छूट गई है तो आप गलत हैं। भारत सरकार के स्वामित्व वाली एक और कंपनी का जल्द ही इनिशियल पब्लिक ऑफर यानी IPO आने वाला है। इरेडा के शेयरों का हाल तो आपको पता ही होगा। 30 से 32 रुपए प्रति शेयर के प्राइस बैंड वाला शेयर मात्र 2 महीनों से भी कम समय में 105 रुपए के पार चला गया है। अब कौन सी सरकारी कंपनी का अगला नंबर आने वाला है, ये पूरी जानकारी जानने के लिए आपको हमारा ये वीडियो अंत तक जरूर देखना चाहिए। भारत सरकार की स्वामित्व वाली इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड यानी IIFCL अगले फाइनेंशियल ईयर में अपना IPO ला सकती है। नई दिल्ली में अपने 19वें स्थापना दिवस पर कंपनी के प्रबंध निदेशक PR जयशंकर ने कहा कि हम लिस्टिंग पर विचार कर रहे हैं और उम्मीद है कि ये अगले फाइनेंशियल ईयर में ये काम पूरा हो जाएगा। जयशंकर के मुताबिक IIFCL एक ऐसे मुकाम पर है जहां हम सरकार को सही वैल्यूएशन दे सकते हैं। कंपनी बहुत जल्द IPO लाने के लिए परामर्श प्रक्रिया की शुरुआत करेगी और इससे जुड़ी जरूरी मंजूरियां ले सकती है। बता दें, कितनी हिस्सेदारी ऑफर की जाएगी इसके बारे में निर्णय विस्तृत चर्चा के बाद लिया जाएगा। अब जिस कंपनी की चर्चा हो रही है उसके बारे में भी जान लीजिए। IIFCL भारत के इंफ्रा प्रोजेक्ट्स की लंबी अवधि की फाइनेंसिंग जरूरतों को पूरा करती है, साथ ही ये सरकार की नीति निर्धारण में भी काफी मदद करती है। कंपनी ने पिछले कुछ सालों में रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन किया है। फाइनेंशियल ईयर 2024 से दिसंबर 2023 तक कंपनी ने 30,315 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है और 14,784 करोड़ रुपए का वितरण किया है। वर्तमान में IIFCL की 100% हिस्सेदारी भारत सरकार के पास है। IIFCL अपने अलग अलग प्रोडक्ट्स के जरिए इंफ्रास्ट्रक्चर सब सेक्टर्स को सेवाएं मुहैया कराती है। इसके प्रोडक्ट्स में डायरेक्ट लेंडिंग, टेकआउट फाइनेंस, क्रेडिट इन्हांसमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स और रीफाइनेंस आदि शामिल हैं। बता दें, कंपनी को उम्मीद है कि फाइनेंशियल ईयर 2024 में उसे 1500 करोड़ रुपए का मुनाफा हो सकता है। बता दें, इस समय कई सरकारी कंपनियां भारतीय शेयर बाजार में लिस्ट होना चाहती हैं। इरेडा के अलावा सरकारी कंपनी NTPC अपनी ग्रीन एनर्जी यूनिट को 1 से 2 साल में सूचीबद्ध यानी लिस्ट करने की योजना बना रही है। कंपनी के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक CMD गुरदीप सिंह ने बताया कि कंपनी को भविष्य में इससे अधिक मांग की उम्मीद है। कंपनी बिजली की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए पूंजीगत व्यय में 30 से 40% की वृद्धि की उम्मीद कर रही है। अब हमने आपको शेयर बाजार से जुड़ी तमाम जानकारियों से आपको अवगत करा दिया है। शेयर बाजार में निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेना ना भूलें। इसी तरह बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बिजतक। बिजतक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिजतक के यूट्यूब चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।